There are two mediums, one is rare and second is denser medium. Okay, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है वो रेयर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, ठीक है, जिस मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दूसरा मीडियम जिसमें कम होती है वो है डेंसर मीडियम. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी दो मीडियम है एनीवन, ठीक है, उनमें से जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी दैट इज रेयर मीडियम एज कंपेयर टू अदर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी. ठीक है, हम रिफ्रेक्शन के लॉज भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, रिफ्रेक्शन के लॉज क्या है, स्नेल्स लॉ सभी को पता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. ठीक है, सेकेंड आप सभी को पता है, ठीक है, कि अपने पास इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन. ठीक है, आपको पता है कि रिफ्रेक्शन की वजह क्यों है, रिफ्रेक्शन की वजह है चेंज इन स्पीड. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है या कहीं चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं कह सकते कम हो जाती है, क्योंकि जब डेंसर से रेयर में जाएगी लाइट तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज होने की वजह से रिफ्रेक्शन का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और इसी रिफ्रेक्शन के फिनोमिना के बेस पे बहुत सारे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं. ठीक है, आप लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, जो मैं बताऊंगा आपको लेंस फॉर्मूला. ठीक है, मेनली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप सभी को आता है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं. ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, मेनली हम मोस्टली टॉपिक कवर कर चुके हैं बट फिर भी रिवीजन के लिए देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ. ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जर्वर है. ठीक है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में भी हो सकता है और डेंसर में भी हो सकता है, डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मान लो ये एक मीडियम है, यहाँ पे ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, तो हमारे लिए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व मतलब जो ऑब्जर्व करेगा वो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है. दोनों केस हमने यहां पे लिए. पहला केस के लिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कहां पे, रेयर मीडियम में, वो रेयर मीडियम में. मतलब हम लोग अगर वॉटर को देखें, ठीक है, एनालाइज करें वॉटर को एक पर्टिकुलर हाइट से, तो हमें वहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम मैथमेटिकल कंसेप्ट से समझते हैं. एक्चुअल में मैं आपको बता चुका हूं कि जो म्यू है इसको म्यू बोलते हैं, दैट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. कई बुक्स में इसको एन भी लिखा गया है. ठीक है, एन या फिर म्यू, व्हाट एवर यू वांट यू कैन राइट, जैसा आपको समझ में आए. म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका डेरिवेशन मैं आपको बता चुका हूं, मैं वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा आपको. ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं एच अपॉन एच डैश, ये भी हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन एच डैश. ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब ये हुआ, देखो ये नॉर्मल हो गया, मान लो ऐसे नॉर्मल, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहां था एक्चुअल में डेंसर मीडियम में, और आपको जब रेयर मीडियम से देखना होता है तो आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है नॉर्मली. मान लो यहां से आपको यहां दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट. और उस नॉर्मल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो डी इज इक्वल टू 1 - 1/μh. कैसे आया मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं कि मेनली नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, कंप्लीट हाइट माइनस जो हमारे पास अपेरेंट हाइट है उसको माइनस कर देंगे, एच माइनस एच डैश. यहां से हम लोग एच डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं एच अपॉन म्यू. ठीक है, इस फॉर्मूला से हम एच अपॉन म्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट. मेनली जो न्यूमेरिकल है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं आपके एनडीएससी में, और दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट का भी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के साथ क्या इनका रिलेशन है. ठीक है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, मतलब ऑब्जेक्ट तो रेयर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर कहां पहुंच जाए, डेंसर मीडियम में. ठीक है, आप इसमें एक बात एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें आप देखो रियल डेप्थ क्या होती है. जैसे मैं आपको अगर समझाऊं यहां पे कि एक्चुअल में इस वाले केस में मान लो ये अपने पास ऊपर रेयर मीडियम भी डेंसर मीडियम, ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, रियल हाइट होगी ना, ये रियल हाइट होगी, मतलब इसको हम एच से लिख रहे हैं. ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा ऊपर, ये मान लो यहां पे दिख रहा है, तो ये इसकी क्या होगी हमारे पास एच डैश अपेरेंट हाइट होगी. ये क्या होगी, अपेरेंट हाइट. यहां पे आप देख सकते हो बाई डायग्राम कि जो रियल हाइट है वो क्या है, अपेरेंट हाइट से ज्यादा है. ठीक है, रियल हाइट इज ग्रेटर देन अपेरेंट हाइट लिख भी सकते हो यहां पे, रियल रियल डेप्थ भी लिख सकते हो, रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपेरेंट डेप्थ. इस केस में रियल डेप्थ क्या है, वो अपेरेंट डेप्थ से ज्यादा है. वो केस देखते हैं हम ऑब्जेक्ट इन रेयर एंड ऑब्जर्व इन डेंसर मीडियम. ठीक है, उसमें आप क्या देख सकते हैं
कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यूज इक्वल टू एच डैश बाई एच, इसमें क्या था एच बाई एच डैश, ठीक है, उसमें हमने रिवर्स कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया एच डैश बाई एच। और ये हमारे पास देखो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला ये था, यहां पे क्या आएगा डी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन एच, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, समझ में भी आने चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पे है डेंसर मीडियम है और ऑब्जर्वर कहां पे है रेयर मीडियम में, ठीक है। वीडियो आपको सेंड करूंगा, ये रिवीजन के लिए है और आपको ये चीजें बता चुका हूं पहले भी मैं। बात करें जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो रेयर मीडियम में और ऑब्जर्वर कहां पे हो डेंसर मीडियम में, उस टाइम जब बात करेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की तो क्या आएगा मेरे पास एच डैश अपॉन एच, ठीक है। तो एच डैश अपॉन एच की वैल्यू देखो यहां पे जब बात करेंगे तो यहां पे जो रियल डेप्थ है वो क्या हो जाएगी कम एज कम्पेयर टू अपेरेंट डेप्थ। अब यहां पे अपेरेंट डेप्थ हमारे पास क्या होगी ज्यादा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा रेयर मीडियम में, यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इधर से हम देखेंगे किसको ऑब्जेक्ट को, तो यहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो यहां ऑब्जर्वर होगा, तो उस टाइम में फॉर्मूला आपके पास ये बनेगा म्यू इक्वल टू एच डैश बाई एच और डी इक्वल टू म्यू माइनस वन एच, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट की बात करें, नॉर्मल शिफ्ट मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपके पास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से जब लाइट पास होती है तो आपको पता है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा वहां पे, ठीक है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट मतलब वो एक्चुअल में कहा जाती, मतलब अगर ग्लास स्लैब हम यहां पे लगाते हैं, ये ग्लास स्लैब है और मान लो यहां से अगर लाइट आ रही है तो मान लो लाइट उस टाइप से आ रही है, ये लाइट आ रही है, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये यहां जाके मिलती, पर ग्लास स्लैब की वजह से ये पहले ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल शिफ्ट जो है इसका एक फॉर्मूला, इस केस में भी नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है। ग्लास स्लैब को ऐसे रखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे नॉर्मल शिफ्ट क्या है, इस टाइप से रखेंगे तो इसको, ठीक है, ये तो कैसा था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रखोगे तो आपके पास नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू वन माइनस म्यू टू टी, ठीक है। यहाँ पे t क्या है, t इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, t इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, नॉर्मल शिफ्ट इन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये हम लिख सकते हैं, थिकनेस को t से डिनोट किया गया। यहाँ पे देखो जो अपने पास h है, h क्या थी यहाँ पे, h हमारे पास थी कंप्लीट हाइट, और यहाँ पे क्या है h क्या है, t क्या है इसकी थिकनेस, ये थिकनेस है इसकी, ठीक है। आगे देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो आपको पता है नॉर्मल से दूर जाएगी वो, ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से डेविएट तो होगी बट वो नॉर्मल से दूर भी जाएगी। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये अपने पास ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। एक्चुअल में जब लाइट यहां से इस फेस पे गिरती है, नॉर्मली गिरेगी तो नॉर्मली निकल जाएगी, ठीक है, नॉर्मली यहां से पास हो जाएगी, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, एंगल इज जीरो, ठीक है, स्पीड जरूर कम होगी पर रिफ्रैक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। आपने एंगल इंक्रीज किया, ठीक है, ये आपके पास क्या नॉर्मल, तो ये क्या हुआ नॉर्मल से दूर। आपने क्या किया और एंगल इंक्रीज किया, एंगल इंक्रीज करोगे तो ये क्या जाएगा इसका बिल्कुल पैरेलल, मतलब जो हमारे पास इंटरफेस है इसकी क्या आ जाएगी लाइन पैरेलल आ जाएगी, और पैरेलल आ जाएगी तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा ये एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, बताया था मैंने आपको वीडियो में, फिर से शेयर कर दूंगा वीडियो क्रिटिकल एंगल। और जब एंगल को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगी वैल्यू ज्यादा, और वैल्यू ज्यादा होते ही जो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आपने इंसिडेंट लाइट को और ज्यादा कर दिया, मतलब एंगल को और भी ज्यादा कर दिया, तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब अगर आपने ये एंगल और ज्यादा कर दिया तो अब ये लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे इस फिनोमिना का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना, ठीक है, मिराज, ठीक है, दोनों एग्जांपल किसके हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, दोनों के दोनों एग्जांपल है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर भी इसी का एग्जांपल है, किसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे बेस्ड, ठीक है। एक फॉर्मूला यहां से डिराइव किया जाता है जो मैंने आपको करवाया भी है वीडियो में, क्रिटिकल एंगल का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन सी, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन सी। अब साइन सी हमारे पास क्या, सी इज द क्रिटिकल एंगल, म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स,
एक रिलेशनशिप है किसमें, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में और क्रिटिकल एंगल में। ठीक है, जब भी आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया जाता है और कहा जाए क्रिटिकल एंगल आपको फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं यहां से। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है कोसिकेन थीटा, तो आप कोसिकेन से भी तो कर सकते हैं इसको, आपके दोनों रास्ते खुले हैं। वन अपॉन साइन साइन की जो टेबल है वो आपको याद होती है तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, बट कोसिकेन की भी कर सकते हैं, इसका जस्ट क्या होती है रिवर्सल होती है, तो म्यू इक्वल टू वन अपॉन साइन से म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है। सी इज द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल भी क्या होता है भाई अलग अलग केस में अलग अलग होगा। क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, डायमंड के लिए अलग होगा। ठीक है, सबके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है ये प्रिज्म में भी तो काम आता है। मैंने आपको एक प्रिज्म की वीडियो दी थी, ठीक है, उस प्रिज्म की वीडियो में आप देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रिज्म आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल मान लो ये अपने पास प्रिज्म आपको दे दिया, ठीक है, और यहां से लाइट इंसिडेंट करवा दी और आपसे कहा जाए, और आपको मान लो कोई भी एंगल दे दिया, ये आपको एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया, और आपसे कहा जाए कि बताओ ये लाइट टकरा के वापस आएगी या रिफ्रैक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी, तो आपका जो मेन कंसेप्ट है वो यही यूज होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ये लाइट अगर स्पेस पे टकराती है और अगर वो क्रिटिकल एंगल से कम के एंगल से टकराती है तो वापस आएगी, और अगर ऐसा होगा कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा से तो वापस आएगी, और क्रिटिकल एंगल से कम का एंगल है तो वो सीधे निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रिज्म का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे। तो ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना था। आई थिंक आपकी वीडियो सही दिख रही थी, नाउ इट इज क्लियर। फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश, मतलब फिश वॉटर के अंदर होती है। ठीक है, यार एक स्विमर भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है फिश की बात करें, यू कैन टेक स्विमर ऑल्सो। आई थिंक स्क्रीन आपको सही दिखाई दे रही होगी, यस इट इज क्लियर। ओके, तो जो फील्ड ऑफ विजन है इसकी वीडियो में आपको दे चुका हूं कि विजन ऑफ फिश जो है उसका क्या होगा अगर वो एक अंडर वॉटर अगर वो है और उसको आउटर जो वर्ल्ड हो कैसा दिखाई देता है। तो रेडियस, रेडियस मतलब जो मान लो अपने पास वॉटर में वो देख रही है ऐसे, तो उसको एक कौन टाइप दिखाई देता है, मैंने आपको बताया था उसको कौन टाइप दिखाई देता है सब कुछ आउटसाइड। तो इसकी जो रेडियस अगर हम निकालते हैं रेडियस, उस रेडियस का फॉर्मूला होता है एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और अगर इसका एरिया निकालें तो एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर क्या है ए इज इक्वल टू पाई, और ये आर आपके पास ए इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया इसका एरिया। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। ठीक है, तो ये जो मेन मेन टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आपको इस पे सॉल्व करने हैं। आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस, यू शुड डू देम ऑन प्रॉपर टाइम। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है। सभी को पता है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से डेविएट हो जाती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के सारे फिनोमेना है। पहला फिनोमेना मैंने बताया आपको रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ में दो केस है, एक बार ऑब्जर्वर कहां पे होगा रेयर मीडियम में, एक बार ऑब्जर्वर कहां पे होगा डेंसर मीडियम में। यहां पे देखो ऑब्जर्वर कहां पे है, रेयर मीडियम में ऑब्जर्वर है, तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे। और जब और ये भी ध्यान रखना रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपेरेंट डेप्थ। अगर आपके पास ऑब्जर्वर किसमें है रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयर में है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे दिस एंड दिस। ओके, नॉर्मल शिफ्ट इन रेक्ट एंगुलर ग्लास स्लैब मैं आपको बता चुका हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ये है, मैं वीडियो आपको फिर से शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं भाई। लेंस फॉर्मूला सभी को पता है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि लेंस फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है। वैसे आप सभी को आता है लेंस फॉर्मूला, फिर भी आई थिंक लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, दैट इज लेंस फॉर्मूला। एफ इज द फोकल लेंथ, यू वी इज द इमेज डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू वी बाई यू या फिर एम इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन, यू नो वेरी वेल बोथ ऑफ दीज फॉर्मूला। ठीक है, तो मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स है वो इनपे बेस्ड होते हैं मिरर लेंस फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है,
तो आपको लेंस फॉर्मूला है उस पर ध्यान देना कि एक्चुअली लेंस फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आपके पास देखिए ये आपके पास जो फॉर्मूले हैं इनसे आप लेंस के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े और मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, अगर आप इन तीनों क्वांटिटीज को u से मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा, u/f = u/v - u/u। ठीक है, तो u by u से कैंसिल, क्या बचा आपके पास, ये बचा u/f = u/v - 1। ठीक है, आप यहां से क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं u/f, ये 1 उधर जाएगा तो u/f + 1 = u/v। क्या बचेगा आपके पास, u+f/f = u/v। इनको रिवर्स कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास f / u + f = v/u, और v/u किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं आप m = f / u + f, ये आप लिख सकते हैं। वेयर इज द मैग्निफिकेशन, अगर आपको u और f दिया हो, मैग्निफिकेशन निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आप और फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर आप इन तीनों को v से मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा, अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, v/f = v/v - क्या आएगा v/u, ये कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, देखो v/f, ठीक है, और = 1 - v/u, इसको उधर ले जाओ तो क्या बचेगा v/u, ये बचेगा आपके पास 1 - v/f। ठीक है, तो क्या बचेगा v/u आपके पास किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो m = ये क्या आएगा बस f - v/f, ये भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मूला है जिनसे आप मैग्निफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कटिंग ऑफ लेंस। ठीक है, एक लेंस को कट करने पे उसकी फोकल लेंथ और पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम ऐसे वर्टिकली अगर कट करें, ठीक है, वर्टिकली अगर ऐसे कट करें और इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है, पहले कट करने से पहले इसकी फोकल लेंथ एफ थी और पावर क्या थी पी, और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, डबल, ठीक है, और पावर कितनी होगी, हाफ। तो जब आप इसको वर्टिकली कट करते हैं तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि जो पावर है वो तो क्या हो रही है इसकी, हाफ, और फोकल लेंथ क्या हो रही है, डबल। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि किसी लेंस को वर्टिकली कट किया जाता है तो बताओ उसकी पावर कितनी होगी, तो उसकी पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर आप कट करोगे तो उसकी पावर और फोकल लेंथ में कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, बट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, मतलब इस पोर्शन से अगर आप लाइट से इमेज बनाना चाहो तो उसकी इंटेंसिटी एज कंपेयर टू कंप्लीट लेंस से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये कटिंग ऑफ लेंस से कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर आप वर्टिकली कट कर रहे हैं देन फोकल लेंथ एंड पावर इज चेंजिंग लाइक दिस, पावर क्या होगी यहाँ पे हाफ और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे डबल। यहां देख सकते हैं कि अगर आप हॉरिजॉन्टल कट करते हो तो पावर और फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कटिंग ऑफ लेंस। जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है भाई, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होती जाएगी, इंटेंसिटी होती जाएगी। अगर मान लो आपके पास एक लेंस है, ठीक है, इससे आप अगर इमेज बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो इमेज बनेगी, और मान लो आपने हाफ पार्ट क्या कर दिया इसका, कवर कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक है, और फिर आप अगर आप इमेज बना रहे हैं तो इमेज की जो हाइट है, शेप और साइज वो तो सेम ही रहेगी, बट उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, जो पहले जो लेंस था उसे कंपेयर करें तो अब जो इंटेंसिटी बनेगी लाइट की, या जो सॉरी जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इसको अगर हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो बताओ जो इमेज बनेगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो इमेज जो बन रही है, इमेज जो है उसकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास
कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना थे। प्रिज्म के मैंने आपको बता चुका हूं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो मान लो आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है, और यहां पे लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं आप लोग, ये आपके पास एक लाइट इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, ये आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बाहर एयर मीडियम है अंदर डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, फिर से यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे आप नॉर्मल, ये एंगल आर, इसको मान लीजिए एंगल आर डैश, अब ये नॉर्मल से दूर जाएगी, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए ये हमारे पास क्या एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको नाम दो पी क्यू और आर, इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, मोस्टली केसेस में एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू होती है 60 डिग्री, आप ध्यान रखना मोस्टली केसेस में एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये इस फेस पे इंसिडेंट एंगल है, इसको हमने आर डैश का नाम दे दिया, ये हमारे पास क्या है इमरजेंट, इमरजेंट एंगल, ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे को अगर हम आगे इसको बढ़ाएं, इसको अगर ये प्रिज्म प्रेजेंट नहीं होता तो इंसिडेंट रे वो इस डायरेक्शन में मूव करती, बट प्रिज्म की वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वो ये है, मतलब ये अपने पास जो एंगल आया ये यहां से लेके यहां पर, इसको हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, दिस द एंगल ऑफ डेविएशन। एक रिलेशन भी होता है क्या ए प्लस एंगल ए प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई, एक्सपेरिमेंटल जब हम एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो एंगल ए प्लस डेल मतलब ए और डेविएशन इन दोनों का सम आई प्लस ई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन है इसका, ठीक है, ये तो अपने पास हो गया कुछ प्रिज्म की बातें, मेनली रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जब एक लाइट इंसिडेंट होती है फर्स्ट फेस पे पी क्यू फेस पे इंसिडेंट होगी तो ये रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर से डेंसर पे जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, ठीक है, और अब हमारे पास ये डेंसर मीडियम यहाँ पे रेयर मीडियम, जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये हमारे पास क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने क्या नाम दिया आर डैश, और ये अपने पास क्या एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, ये एक रिलेशन होता है यहाँ पे ए प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक है, तो अब देखो ये अपने पास क्या एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, अलग अलग कलर की बात करें सबकी वेवलेंथ क्या होती है अलग अलग होती है, डिस्पर्जन आपको पता ही अच्छे से व्हाट इज डिस्पर्जन, लाइट जब एक व्हाइट लाइट पास करती है प्रिज्म में से तो वो डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है स्प्लिट हो जाती है, क्यों हो जाती है क्योंकि अलग अलग कलर की वेवलेंथ है वो अलग अलग है और अलग अलग कलर की वेवलेंथ के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी क्या है अलग अलग, ये देखो रीजन आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंट वेवलेंथ के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है, तो यहां से जो आप देखेंगे कलर कलर जो है रेड जो है रेड रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो सबसे कम डेविएशन दिखाती है और वॉयलेट कलर है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है और उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है, ये कुछ रिलेशनशिप है जो आप लोग देख सकते हैं। अब इसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना भी आप पढ़ेंगे, देखो कैसे मैं आपको समझाता हूं वो क्या होगा, जैसे मान लो प्रिज्म जो है, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्रिज्म है और ये मैं आपको करवा भी चुका हूं कि मान लो यहां पे लाइट, ये मान लो अपने पास ए बी और सी है कि लाइट इंसिडेंट हो रही, मान लो यहां पे इस टाइप से ये लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, ठीक है, और ये लाइट यहां पे स्ट्रेट निकलेगी और मान लो ये एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल आपको दे दिया मान लो 60 दे दिया, ठीक है, ये 60 दिया है तो ये देखो ये कितना होगा 90, ये 60 तो ये कितना होगा 30, ठीक है 30 हो गया, और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे
नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना होगा अपने पास 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 60 हुआ ना, ये 60 है ठीक है। ग्लास जो है, ग्लास ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है ठीक है, लगभग 40 के कंपेरेबल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ यहां पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इसी मीडियम में वापस आ गई। अगर ऐसा नहीं होता, अगर क्रिटिकल एंगल क्या होता, क्रिटिकल एंगल होता कम सॉरी ज्यादा और इंसिडेंट एंगल क्या होता कम, तो लाइट है वो उसी मीडियम में सॉरी क्या कर जाती, रिफ्लेक्ट कर जाती अगले मीडियम में। अगर दोनों इक्वल हो जाते तो ये लाइट है इस फेस के बिल्कुल पैरेलल चली जाती। ये केस हमारे पास किसके हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस है ठीक है। उसमें प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है। देखो सारा का सारा जो यहाँ पे हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो देखो क्रिटिकल एंगल का है। क्रिटिकल एंगल में भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना आना चाहिए। जब लाइट यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मली स्ट्रेट निकलेगी ठीक है। ये एंगल 60 है तो ये कितना हुआ, ये तो 90 है ही, तो ये 90 ये 60 तो ये कितना होगा 30। तो ये तो सरफेस के साथ एंगल है और नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 60 डिग्री। अब डिपेंड करेगा ये मटेरियल किस चीज का बना है ठीक है, जिस चीज का मटेरियल बना उसका हम क्या देखेंगे क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को इंसिडेंट एंगल से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो उसी मीडियम में लाइट वापस आ जाएगी, और अगर इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और अगर दोनों सेम हुए तो लाइट है वो इस फेस के बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। यहां से देखो एक रिजल्ट और भी आ सकता है, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू फिर आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश भी आप लिख सकते हैं यहां पे कि ये ए जो है वो इन दोनों के समथिंग इक्वल आएगा। अगर आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, वो साइन आई अपॉन साइन आर, इस वाले फेस पे अगर आप निकालना चाहते हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो क्या आएगा, वो साइन आई अपॉन साइन आर ठीक है। आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और आपके पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। डेविएशन मैंने आपको समझा दिया, ये डेविएशन है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे डेविएशन की वैल्यू कम होती जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आएगा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एन, डेल्टा एन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको रब कर देते हैं, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, आई थिंक आपको ये स्क्रीन पे विजिबल होगा, यस विजिबल टू योर स्क्रीन, उसको हम लिखते हैं डेल एन से। अब डेल एन में क्या होता है देखो, उस जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, उस टाइम जो रिफ्रैक्टेड जो रे है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी इसके पैरेलल, मतलब बेस के पैरेलल हो जाएगी बिल्कुल, ये पैरेलल ऐसे, मतलब इस वाले केस में जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारे पास लाइन है ये इस बेस के बिल्कुल क्या हो जाएगी पैरेलल। उस केस में इस केस में देखो क्या होगा, आर और आर डैश क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल, तो उस केस में ए हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा मेरे पास आर प्लस आर टू आर, और आर कितना आ जाएगा हमारे पास ए बाई टू, ये वाला केस बनेगा ठीक है। ये हमारे पास क्या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस है ठीक है। कई बार आपसे मिनिमम डेविएशन के लिए कोई न्यूमेरिकल दे देता है तो वो आप ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए ठीक है, कि R और R डैश दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रे है बिल्कुल क्या हो जाएगी पैरेलल, किसके इस बेस के बिल्कुल पैरेलल, इस बेस के अकॉर्डिंग तो बेंड हो रही है कि बेस से डाउन बेस से ऊपर बेस से पैरेलल, तो जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो ये बेस से क्या हो जाएंगे बिल्कुल पैरेलल, क्लियर। तो यहां से हमने डिफरेंट जो रिजल्ट देखे हैं ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू एक प्रिज्म के देखे कि भाई यहां पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये जो रिफ्रैक्शन है यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कुछ रिजल्ट्स आए वो हमने आपसे डिस्कस किए ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा जाता है ठीक है।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमने डिफरेंट फिनोमेना देखे, कटिंग ऑफ लेंस को भी हमने पढ़ा, ठीक है, और हमने लेंस फॉर्मूला भी देखा, ठीक है। एक लेंस मेकर फॉर्मूला और होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला जैसे मान लीजिए आपके पास लेंस है, आई थिंक स्क्रीन पे आपको विजिबल है या नहीं, यस इट इज विजिबल, ठीक है। तो ये लेंस है, मान लो ये अपने पास हो गया ये, तो ये देखो ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट जब रिफ्रैक्ट होगी, मान लो ये इस पॉइंट इस सरफेस पे है, तो पहले इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट होगी, हम क्या करेंगे भाई यहां पे आपने ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल, इस पॉइंट पे कट करेगा, तो लाइट क्या रही, देखो ये अपने पास नॉर्मल है, ठीक है, लाइट रेयर से डेंस में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, फिर यहां ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, अब क्या करेंगे नॉर्मल से दूर, सॉरी नॉर्मल से क्या जाएगी दूर, तो ये आपके पास नॉर्मल से दूर आ गई। तो एक बार इस फेस के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार इस फेस के लिए लिखेंगे फॉर्मूला, देखो दोनों के लिए अलग अलग आर की वैल्यू आएगी, R1 और R2, ठीक है। फोकल लेंथ तो खैर लेंस देगा तो फोकल लेंथ तो क्या रहेगी इससे, बट दोनों के लिए इस फेस के लिए R1 अलग, इस फेस के लिए R2 अलग, इसलिए यहां पे क्या है R1 - R2, ठीक है। और म्यू क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप देखो यहां पे जो F है वो F क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है μ - 1, फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप लोग इंक्रीज करते हो तो फोकल लेंथ क्या होगी डिक्रीज, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग डिक्रीज कर रहे हो तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी इंक्रीज। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप एक लाइट डाल रहे हैं, लाइट रे किसी मटेरियल पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया और कहा जाए अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया जाए, मतलब कोई और मटेरियल ले लिया जाए, तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास रिलेशन किस किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन है। कई बार क्वेश्चन इसमें भी आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ पे, कि इनके बीच में रिलेशन से आप क्वेश्चन कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूला थे, लेंस मेकर फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं इसको, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा R1 होगा R2 होगा, आपको क्या निकालना होता है फोकल लेंथ, या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, एफ आपको दिया होता है, R1 R2 आपको गिवन होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या था लेंस मेकर फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन के हमने मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं, ठीक है, और ये जो फॉर्मूले हैं आप सभी को अच्छे से याद होने चाहिए एग्जाम में, ठीक है, आपको याद होने तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, साइन कन्वेंशंस आपको सबको पता है, मैं फिर से एक बार साइन कन्वेंशंस आपको बता देता हूं, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये इस डायरेक्शन में रे है, तो ये हमारे पास क्या है ऑप्टिकल सेंटर, इसको चाहे वो से लिख लो ये ऑब्जेक्ट है, तो सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑल द डिस्टेंस विल मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाओगे तो नेगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, ठीक है। द रे इन द डायरेक्शन ऑफ मतलब आप अगर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो आप क्या लोगे पॉजिटिव, और इससे अपोजिट कर रहे हो तो क्या लोगे आप नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, मान लो ये इमेज यहां बन रही है, सपोज कर लेते हैं ये वी है, ये मान लो इसका एफ है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ लेते हैं पॉजिटिव, यू यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, और वी इधर बन रही है और इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है, तो वी क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है तो H1 क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव, ये कैसा आएगा H2 आपके पास क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है, ये इसके साइन कन्वेंशन है, क्लियर। तो आपको मोस्टली क्वेश्चन है वो इन फॉर्मूला से आपको मिलेंगे, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और नॉर्मल शिफ्ट
आपको अच्छे से आना चाहिए। नॉर्मल शिफ्ट पे क्वेश्चन आते हैं कई बार, लेंस फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा श्योर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, और उनको आंसर करना है, ठीक है। कुछ और कोई कंसेप्ट होगा तो मैं आपको सेंड करूंगा वीडियो, बट आई थिंक मोस्टली कंसेप्ट वी हैव कवर्ड, हमने मोस्टली कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।